एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कामला नाम की एक बेहद खूबसूरत महिला रहती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी और लोग उसके दीवाने थे। कामला एक साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे खास बनाती थी। एक रात जब चांद पूरा चमक रहा था, कामला अपने घर के बाहर बैठी थी। उसे ताजगी भरी हवा और चांदनी की रोशनी में समय बिताना बहुत पसंद था। तभी उसने अपनी छाया को जमीन पर हंसते हुए देखा। उसकी छाया एक अजीब और डरावनी शक्ल में बदल गई थी। यह देख कमला चौंक गई, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद उसकी नजर का धोखा है। लेकिन अगले दिन जब कमला बाजार गई, उसने देखा कि लोग उसे देखकर शर्माते हैं और दूर से ही उसे देखते हैं। कुछ लोग तो उसे देखकर भागने लगे। उसे समझ में नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। फिर एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि उसकी छाया ने गांव में लोगों को डरा दिया है। कामला ने सोचा कि यह केवल एक अफवाह है, लेकिन रात को जब वह सोने गई, तब उसकी छाया फिर से अजीब तरीके से हंसने लगी। उस रात कामला ने ठान लिया कि वह अपनी छाया का सामना करेगी। वह फिर से बाहर गई और अपनी छाया को बुलाया। उसने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तब अचानक उसकी छाया ने कहा, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे कैद कर लिया है। मैं तुम्हारी साया बनकर जीना चाहती हूँ। कमला ने समझा कि यह उसकी साया का एक श्राप है और उसे इसे समाप्त करना होगा। उसने एक पुराने साधु की मदद मांगी। साधु ने उसे बताया कि उसे अपनी साया को स्वीकार करना होगा और अपनी असली खूबसूरती को समझना होगा। कमला ने अपनी साया को गले लगाया और एक नए दृष्टिकोण से जीवन जीने का निर्णय लिया। जैसे उसने अपनी साया को अपनाया, उसकी साया फिर से सामान्य हो गई। अब कमला ने केवल सुंदर थी, बल्कि उसे अपनी असली खूबसूरती का एहसास भी हुआ। गांव वाले फिर से उसे प्यार करने लगे और कमला ने समझा कि असली सुंदरता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। इस घटना के बाद कमला ने अपने गांव में प्रेम और स्नेह फैलाने का कार्य शुरू किया और उसकी साया अब उसे हर जगह खुशियों के साथ पीछा करती थी। और इस तरह कमला ने अपनी साया के साथ एक नई कहानी लिखी जो डर के बजाय प्रेम और समझ का प्रतीक बन गई। इस तरह का और कहानी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।